अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम क्यू मोबाइल X32 का FRP बाईपास करेंगे, वो भी बगैर किसी कंप्यूटर के। तो इसका एंड्रॉइड बड़ी है ना 6.0। तो दोस्तों सबसे पहले हम वाईफाई से कनेक्ट करेंगे और इसको आपको चेक करवाएंगे कि इसको FRP वाकई में ऑन है। तो कस्टमर ने इसको हार्ड रीसेट किया है तो जिसकी वजह से ये फ़ोन ऑन नहीं होगा जितनी देर तक हम इसमें पहले वाली जीमेल की आईडी ऐड नहीं करेंगे। तो जिन दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आया वो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं कि इसको FRP बाईपास ऑन है। तो इसके बाद हम होम बटन को दबा के रखेंगे और हमारा गूगल सर्च ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल मैनेजर का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, इसे हम ओपन करेंगे और इसमें एक SD कार्ड डालेंगे जिसमें मैंने दो फाइल्स का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करके मेमोरी कार्ड में पेस्ट कर सकते हैं। तो हम आपको उसका वर्जन चेक करवाते हैं। इसका वर्जन है 6.0। तो अब हम SD कार्ड को मोबाइल में एंटर करेंगे। तो दोस्तों कार्ड को मोबाइल में एंटर करने के बाद हम दोबारा से फाइल मैनेजर में जाएंगे। और SD कार्ड को ओपन करने के बाद जो मैंने दो फाइल का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसमें से पहली फाइल गूगल अकाउंट मैनेजर 6.0 को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके बाद दूसरी फाइल है जो उसका नाम है FRP बाईपास टूल। तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन भी करेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और ब्राउज साइन इन करेंगे और अब इधर हम कोई भी अपनी जीमेल की आईडी एंटर करेंगे, जो भी आप जानते हो आईडी और पासवर्ड दोनों हम इधर ऐड करेंगे। अगर आपके पास मौजूद नहीं तो आप किसी और मोबाइल से क्रिएट कर सकते हैं। तो आईडी और पासवर्ड मैंने एंटर किया और अब हम साइन इन कर देंगे। तो अब हम मोबाइल को रिस्टार्ट करेंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि इसका FRP बाईपास हो चुका है। तो जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आए वो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।